नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन जारी है। पहले दिन नीलामी की शुरुआत में खिलाड़ियों पर खूब धन वर्षा देखने को मिली। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें पहली बोली में किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का रहा है, जिनको खरीदार नहीं मिला। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, किलर मिलर के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर भी अनसोल्ड रहे हैं। हालांकि इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि अगली बार जब फिर से बोली लगेगी तो इन खिलाड़ियों को खरीदने में टीमें रुचि दिखा सकती हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब टीमों की पर्स में पैसे होंगे। बता दें कि सुरेश रैना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। रैना पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, हालांकि इस बार सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया था। बता दें कि आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रैना तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक 205 मैचों में 32.51 की औसत और 136.76 की स्ट्राइक रेट से 5,528 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक और 39 अर्धशतक दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने अब तक 506 चौके और 203 छक्के भी जड़े हैं। इसी तरह पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके स्टीव स्मिथ पर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। वहीं डेविड मिलर को भी कोई खरीदार नहीं मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।